इस वक्त मैं जहाँ खड़ा हूँ वो थाने बेलापुर रोड है, ये महामार्ग है, इस पर हर दिन लाखों गाड़ियाँ चलती हैं और ऐसे में लोगों को सड़क के इस पार से उस पार क्रॉस होने के लिए इस तरह के ये जो अंडरपास हैं वो बनाए गए हैं। और ये अंडरपास आप देख रहे हैं, ये नेरुल जो उरन फाटा है ये ब्रिज, उसके पास का बिल्कुल ये अंडरपास है। और ये बिल्कुल इसका जो दूसरा छोर है आप देखेंगे, ये यहाँ पर सड़क के उस पार जो पनवेल की तरफ जाने वाला मार्ग है वहाँ पर ऑटो डेटा कंपनी है, और उस ऑटो डेटा कंपनी के पास जो है उस अंडरपास का रास्ता जो है निकलता है। इसके बनाने के पीछे मकसद ये था कि थाने बेलापुर रोड से इस तरफ या सड़क के उस तरफ क्रॉस होने के लिए हाईवे क्रॉस ना करना पड़े, लोगों को जान का जोखिम लेकर, गाड़ियों से दुर्घटना का जोखिम लेकर सड़क न पार करना पड़े, इसीलिए करोड़ों रुपए खर्च कर इस तरह के अंडरपास बनाए गए। खारघर के बाद इस हाईवे पर इस बीच में ये दूसरा अंडरपास है, इसके बाद आपको नेरुल ब्रिज के पास अंडरपास है, नेरुल के पास का ये दूसरा जो अंडरपास है आप देख सकते हैं, इसकी पूरी रेलिंग जो है इस तरह से टूटी हुई है। और इसके बाद आप ये देखिए लिखा हुआ है पादचारी भुयारी मार्ग, यानी ये अंडरपास है जिसको इस रोड को हाईवे को क्रॉस करने के लिए बनाया गया है। इसके पीछे बिल्कुल सामने जो है ये स्टेट बैंक की कॉलोनी है, आप इस तरफ मेरे तरफ देख सकते हैं, ये पूरा स्टेट बैंक का ये जो रेसिडेंशियल कॉलोनी है, और उसके बिल्कुल ठीक सामने ये अंडरपास है, ये दूसरा अंडरपास है, उरन फाटा के बाद ये सेकेंड अंडरपास है। और इस अंडरपास की आप हालत देखिए, पादचारी भुयारी मार्ग लिखा हुआ है, यहाँ पर जिस तरह से ये लगे के लकड़ियाँ लगाई हैं ये पूरा खुला हुआ है, अगर आप देख सकते हैं तो ये अंदर इसमें कुछ लोग रहते भी हैं ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर कुछ कपड़े टंगे हुए हैं, यहाँ पर रहने का किसी ने अपना अड्डा बना के रखा हुआ है, हालांकि कोई इस वक्त है नहीं। और दूसरे तरफ ये पूरा का पूरा जो ये कमर्शियल इलाका है, इस अंडरपास की कितनी अहमियत है आप इस बात को समझ सकते हैं, लेकिन इसे भी इसी तरह से बनाकर पिछले 3 सालों से ऐसे ही छोड़ दिया गया है। आखिर अब ये चालू कब होगा और इसका लोग उपयोग कब कर पाएंगे, जब तक कि इसका क्रियान्वयन नहीं होता है। यहाँ पर बस स्टॉप बनाया गया ताकि यहाँ से उतरने वाले लोग अगर इस पार जाना है तो इस अंडरपास का सहारा लेकर जा सकते हैं, लेकिन ना तो महानगर पालिका को, ना ही सिडको को, ना ही हाईवे अथॉरिटी को कोई चिंता है कि ये जो सुविधाएं हैं जिनके ऊपर करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं उन सुविधाओं का नागरिकों को लाभ मिले। और यही वजह है कि ये सारी चीजें बनकर निर्मित तो हो गई हैं लेकिन ये उपयोग में नहीं। आप यहाँ देख सकते हैं कि इस तरह की झाड़ियां उगाई हैं और यहाँ भी इसी तरह से एक तरफ ताला लगा हुआ है। इस वक्त मैं थाने बेलापुर हाईवे के नेरुल LP ब्रिज के नीचे हूँ, ये चौथा अंडरपास है जहाँ जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि ये दोनों तरफ ताला लगा हुआ है, ये एक तो अंडरपास ये है और दूसरा बिल्कुल उसके अपोजिट में आप उस तरफ देखेंगे जो ये रिलायंस का शॉपिंग सेंटर है उसके बिल्कुल बगल में ये अंडरपास बना हुआ है, लेकिन वहां भी लॉक लगा हुआ है। इसी तरह से लोग सड़क क्रॉस करके जाते हैं, आप यहाँ से गुजरते हुए लोगों को भी देख सकते हैं, यहाँ लोगों की भारी भीड़ होती है। आप मेरे सामने देखिए कि ये सारे के सारे लोग इसी तरह से सड़क पर दुर्घटना का जोखिम लेकर सड़क पार करते हैं। मजबूरी ये है क्योंकि अंडरपास शुरू नहीं हुआ है, ना तो इस पर सिडको का ध्यान है, ना नई मुंबई महानगर पालिका का ध्यान है, और ना ही तो हाईवे अथॉरिटी इस पर ध्यान दे रही है कि आखिर जनता के करोड़ों रुपए खर्च कर जिस अंडरपास का निर्माण इसलिए किया गया था ताकि लोगों को सुरक्षित ढंग से इस सड़क को पार करने में सुविधा मिले। 3 साल हो गए इसका निर्माण हुए लेकिन आज तक इसकी शुरुआत नहीं हो पाई है। यहाँ बहुत सारे प्रवासी नागरिक हैं और हम इनसे कुछ लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली ये जो सिडको और महानगर पालिका के सौजन्य से अंडरपास बनाया गया है वो कितना जरूरी है। कोई बोलना चाहेंगे क्या, ये अंडरपास आपको लगता है खुलना चाहिए? हाँ, खुलना चाहिए। कितना जरूरी लग रहा है आपको कि अंडरपास शुरू होना चाहिए? लोगों को जाने के लिए तकलीफ हो रहा है ना, फिर बनना चाहिए ना, जिसके लिए बना है ना, पब्लिक के लिए बनाया था ना, पब्लिक के लिए बना। सही कहा आपने, पब्लिक के लिए बना। सर क्या कहना चाहेंगे, अंडरपास पे जनता का पैसा, हमारा आपका पैसा लगा हुआ है, ये इसलिए बनाया गया था, सेवा सुविधा तैयार की गई थी ताकि लोगों के काम आए और लोग सुरक्षित ढंग से इस सड़क को क्रॉस कर सके। अभी इसमें ताला लगा हुआ है 3 सालों से, चालू करना पड़ेगा ना, देखो एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो जाए, क्रॉसिंग करते एक्सीडेंट हो जाता है, बराबर है ना।
हाँ क्रॉस करना पड़ता है ना, देखो ये देखो क्रॉस करना पड़ता है ना, खतरा है। हाँ खतरा है, खतरा है, खतरा है। आप कोई बोलना चाहेंगे, क्या लगता है अंडरपास खुलना चाहिए? हाँ प्रभु जी खुलना तो चाहिए। क्यों खुलना चाहिए? क्यों खुलना चाहिए, किसके लिए बना है? लोगों के चलने के लिए बना है। चलो सब सब जगह, सब जगह पर सब जगह पे है इसे, सब जगह पे है ना। देखो ना आगे भी अपना खारगर, खारगर पे सब जगह पे ऐसा है ना, जगह पर ऐसा ही है। ये पूरा थाने बेलापुर रोड हाईवे पर अगर आप देखेंगे तो सानपाड़ा रेलवे स्टेशन के पास से लेके खारगर तक जितने भी अंडरपास बने हैं इसी तरह कैसे आपको ताले लगे हुए पाएंगे। मैं ठीक सामने भी आपको दिखाना चाहूंगा इस अंडरपास के बिल्कुल चौक के दूसरी तरफ, वो दूसरा अंडरपास आपको नजर आ रहा होगा जो इस ब्रिज के उस पार को जोड़ता है, जो वहां पर दूसरा बस स्टॉप है। और इसी तरह से इस पार ये अंडरपास है जो इस साइड में जोड़ता है, जो यहाँ पर प्रवास करने वाले लोग हैं ताकि वो सुरक्षित तरीके से इस सड़क को पार कर सकें। सिडको और एमएमआरडी और महानगर पालिका ने दावा किया था करोड़ों रुपए इस पे खर्च हुए हैं, तकरीबन 55 करोड़ रुपए इस पे खर्च हुए हैं जो जानकारी दी गई है, और ये इसी तरह से बंद पड़े हुए हैं। इसका मतलब है कि ये सारा पैसा कॉन्ट्रैक्टर और अधिकारियों के कमीशन के रूप में खत्म हो गया। निर्माण तो हो गया है लेकिन इसकी सेवा और सुविधा लोगों को नहीं मिल रही है, तो जाहिर सी बात है ये पूरी तरह से जनता के पैसों की बर्बादी है। मैं दोबारा दिखाना चाहूंगा, ये देखिए बस स्टॉप है, इस पे हमेशा दिन भर में हजारों लोग यहाँ से सफर करते हैं, और इसी तरह से आपको ये सड़क क्रॉस करते हुए नजर आएंगे। हाईवे के सानपाड़ा स्टेशन के सामने का जो ओवर फ्लाईब्रिज है उसके बिल्कुल ठीक नीचे खड़ा हूँ, आप देख सकते हैं। यहाँ से एपीएमसी है आगे, ये जो मुंबई सान पनवेल हाईवे है इसके ऊपर का ये पहला जो अंडरपास बना था इसी जमीन के ऊपर बना था, और यहाँ पर लाखों लोग हर दिन एपीएमसी में आते हैं, 5 मंडियों में आते हैं, और वहाँ से गुजरने के लिए सानपाड़ा रेलवे स्टेशन और यहाँ पर ये बस स्टॉप और दूसरी सुविधाओं का उपयोग करते हैं। और ये निरंतर चलने वाला हाईवे है, लाखों गाड़ियाँ प्रतिदिन यहाँ पर गुजरती हैं। एपीएमसी की तरफ से आने वाले जो इस हाईवे को क्रॉस करने के लिए जो सानपाड़ा स्टेशन तक आने वाले लोग हैं उनको सुविधा मिले और किसी तरह की दुर्घटना का वो शिकार ना होने पाए, उन्हें सुरक्षित प्रवास का मौका मिले, और इसीलिए इस तरह का विकास किया गया था। और उसका जो एंट्री पॉइंट था वहाँ पर था, और उसका एग्जैक्टली जो एग्जिट था वो इसी जगह पर बना हुआ था। आप देख सकते हैं ये जो व्हाइट पट्टी बनी गई है इसी के ये पास का एंट्रेंस और एग्जिट इलाका था। आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा जो अंडरपास है इस वक्त जमीन में दफन कर दिया गया है। जनता के करोड़ों रुपए खर्च हुए, मकसद ये था कि लोगों को सुरक्षित प्रवास के लिए सड़क पार करने के लिए सुविधा मिले, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। कॉन्ट्रैक्टर का फायदा हुआ, अधिकारियों ने कमीशन खा लिया, लेकिन बात वहीं की वहीं रहेगी। ढाक के तीन पात आज भी हाईवे चल रहा है और लोग जान का जोखिम लेकर इन सड़कों को पार करने के लिए मजबूर हैं। सवाल ये है कि आखिर जनता के जो पैसे बर्बाद किए गए उन पैसों की भरपाई कौन करेगा? आखिर जो लोग जान का जोखिम लेकर इन सड़कों से गुजर रहे हैं उनकी अगर दुर्घटना होगी तो उसका जिम्मेदार कौन है? जिस नगर पालिका के जरिए इस पूरे मुंबई सिटी को 21वीं सदी का शहर बताया जाता है कि हाँ वो तमाम सारी सुविधाएं जनता के लिए मौजूद हैं, आखिर उन सुविधाओं को जमीन में क्यों दफन किया गया? सवाल ये है कि आखिर इस अंडरपास का निर्माण क्यों किया गया? आखिर जनता के करोड़ रुपए इस पर क्यों खर्च किए गए? अगर इसका सदुपयोग नहीं करना है, अगर ये जनता के लिए इसे खुला नहीं रखना है, तो फिर जनता के टैक्स के पैसों की बर्बादी आखिर क्यों की गई? आखिर किसे फायदा पहुंचाने के लिए ये सफेद हाथी की तरह अंडरपास बना दिए गए हैं जो कीमती तो हैं लेकिन काम के नहीं है? कैमरामैन रविचंद के साथ मैं सुधीर शर्मा, टीवी वन इंडिया, नई मुंबई। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।